नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है एंड यू आर वाचिंग सॉल्व टैक्स प्रॉब्लम। दोस्तों, आप सभी को पता है कि जीएसटी का जो एनुअल रिटर्न है उसका डेट एक्सटेंड हो गया है। पहले डेट था 31 अगस्त, अभी हो गया है 30 नवंबर। तो जो 3 महीने का जो गैप मिला है, इसका पूरा फायदा हम लोग लेंगे। छोटे छोटे जो चीज है जो हम लोगों को परेशान करता है एनुअल रिटर्न के बारे में, 9C के बारे में, 9A के बारे में, उसको हम लोग ध्यान देंगे, डिस्कस करेंगे, छोटा छोटा वीडियो बनाएंगे, छोटा छोटा आर्टिकल जो मेरा solvetaxproblem.in है ब्लॉग है उसमें लिखेंगे, आप लोगों से डिस्कस करेंगे। आप हम मुझे बताएंगे कमेंट करके कि कहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है, उसका सोल्यूशन क्या है, उसका सॉल्व कैसे करें, ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके लिए आपको कमेंट करना है, आपको सब्सक्राइब करना है, आपको लाइक करना है। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। ये जो लाइक और सब्सक्राइब है, यही हम लोगों का रिवार्ड है जो हम लोग वीडियो बनाते हैं यूट्यूब में, एडुकेशन का कुछ भी, कोई भी किसी भी चीज़ का। तो ये जो लाइक और सब्सक्राइब, ये हम लोगों को हौसला देता है कि नहीं आगे बढ़े, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। छोटा सा टॉपिक लेकर हम स्टार्ट करेंगे, हर बार छोटा छोटा वीडियो बनाएंगे छोटे छोटे चीज़ के ऊपर, ताकि हर एक चीज़ बारीकी से हम लोग ध्यान देकर कर पाए। आज का टॉपिक है GST 9 में टेबल नंबर 17 एंड टेबल नंबर 18, मतलब एचएसएन वाइज समरी ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज एंड एचएसएन वाइज समरी ऑफ इनवर्ड सप्लाईज। ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं। मैं एक पावर पॉइंट एक प्रेजेंटेशन बना के रखा हूँ। HSN summary in GSTR 9, a simple and easy discussion. चलिए स्टार्ट करते हैं। HSN summary GSTR 9 के जो दो टेबल इससे रिलेटेड है वो है टेबल नंबर 17 एंड टेबल नंबर 18। टेबल नंबर 17 है HSN summary of outward supplies, टेबल नंबर 18 है HSN summary of inward supplies। तो ये supplies होगा, ठीक है, inward supplies। तो इसको इसमें क्या है, क्या है ये चीज दोस्तों, एचएसएन समरी जीएसटी में 8 डिजिट का होता है, मगर गवर्नमेंट हम लोगों को 8 डिजिट मेंटेन करने के लिए नहीं बोला है। कुछ रूल्स है, कुछ रूल्स को मानना पड़ेगा। पहले बात यह है कि क्या सबको एचएसएन समरी मेंटेन करना है, कि इसके बारे में कोई क्लैरिफिकेशन है? जी हाँ दोस्तों, है। क्लैरिफिकेशन क्या है एक एक करके देखते हैं। अगर हम आउटवर्ड सप्लाईज को समझ लेंगे तो इनवर्ड सप्लाईज भी हम लोगों को समझ में आ जाएगा, क्योंकि दोनों में 90% सिमिलरिटी है। सिर्फ ये आउटवर्ड सप्लाईज है और ये इनवर्ड सप्लाईज है। तो पहले हम लोग टेबल नंबर 17 में चलते हैं। क्या बोला, क्या क्या है, किसको मेंटेन करना है, किसको नहीं मेंटेन करना है। अगर इफ टर्नओवर इज नॉट मोर देन ₹1.5 करोड़, अगर आपका टर्नओवर उस फाइनेंशियल ईयर में 1.5 करोड़ से ज्यादा नहीं है तो ये ऑप्शनल है, आप मेंटेन कर भी सकते हैं, मेंटेन नहीं भी कर सकते हैं। जैसे कि सबको पता है कि जब जीएसटी वन हम लोग बढ़ते थे, जिसका टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम था उनका एचएसएन को डाला ही नहीं गया, ऑप्शनल है। मगर अगर आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ से ज्यादा हो गया और मगर 5 करोड़ से ज्यादा नहीं है तो आपको मैंडेटरीली उसको मेंटेन करना है, मगर 2 डिजिट एचएसएन कोड देना है। मतलब 1.5 करोड़ से ऊपर है देना ही पड़ेगा, मगर 5 करोड़ से कम है तो सिर्फ 2 डिजिट, और अगर टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है तो 4 डिजिट एचएसएन कोड। तो इसमें क्लियर होगी एक चीज, जिनका 1.5 करोड़ से कम है वो लोग दे सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, मुझे पता है नहीं देगा कोई अपने सर पे बोझा नहीं लेना चाहता है। फिर भी अगर मेंटेन रखते हैं तो जरूर दीजिए। अगर जीएसटी वन में देखिए आखिर में क्या है, देखिए ये भी इंस्ट्रक्शन है, यू कैन यूज टेबल 12 ऑफ जीएसटी वन। अगर जीएसटी वन में आप लोग भरे हैं 1.5 करोड़ से ऊपर है तो भरना ही पड़ेगा, अगर कम है फिर भी भरे हैं तो टेबल 12 का हेल्प आप ले सकते हैं, जो समरी है उसी को डाल दीजिए। अब देखिए
Summary of outward supplies made against a particular HSN code to be reported only in this table. इस टेबल में जो जो आउटवर्ड सप्लाईज आपका हुआ है, टेबल नंबर 17 में जो जो आउटवर्ड सप्लाईज हुआ है एक पर्टिकुलर HSN कोड के अंडर पे, उसी को आपको देना है। इसका मतलब क्या हो गया? सोचिए आप 10 प्रोडक्ट बिक्री आप बेचते हैं, मगर उसका HSN कोड एक ही है, एक HSN अंडर में ही वो 10 प्रोडक्ट आ गया। जैसे कि सोचिए 34, उसके बाद और भी है पर 34 के अंडर में 10 प्रोडक्ट आ गया। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, तो पर्टिकुलर उस HSN कोड को देना है, हाँ ये HSN कोड है, इसके अंडर में इतना क्वांटिटी क्या है, उसका रेट इतना है, उसका CGST क्या है, इतना SGST क्या है, IGST क्या है। अगर 10 प्रोडक्ट आपका 3 HSN कोड में बांटा जाता है कि 4 प्रोडक्ट एक HSN कोड के अंडर में, 3 प्रोडक्ट एक के अंडर में, फिर 3 प्रोडक्ट और एक के अंडर में, तो आपको 3 HSN कोड का डिटेल्स देना है। ऐसा नहीं कि ये प्रोडक्ट ये प्रोडक्ट ये, ऐसा नहीं। HSN कोड इसके अंडर में इतना क्वांटिटी किया है, इतना उसका रेट है, इतना रेट ऑफ टैक्स है, रेट ऑफ टैक्स देना पड़ेगा आपको, क्या रेट ऑफ टैक्स है, क्योंकि ध्यान दीजिएगा ये 17 और 18 ऑटो पॉपुलेटेड नहीं है, आपको खुद से भरना है। इस तरह से आपको HSN कोड वाइज डिटेल्स आपको देना है, ना कि आइटम वाइज। पर्टिकुलर HSN कोड Summary of outward supplies made against a particular HSN code to be reported only in this table. अच्छा, quantities to be reported net of returns. इसके बारे में मैं बाद में एक example दिया हूँ, फिर बता देता हूँ। सोचिए आप सेल किए, मगर कुछ वापस आ गया, सेल्स रिटर्न हो गया, उसको माइनस करके आपको क्वांटिटी देना है। 10 सेल किए थे, 10 पीस सेल किए थे, 2 पीस वापस आ गया, तो आपको 8 पीस का क्वांटिटीज टू बी रिपोर्टेड नेट ऑफ रिटर्न्स, 8 पीस के ऊपर आपको डिटेल देना। बाकी तो आपको बता ही दिया कि टेबल नंबर 12 में, 12 से आप जीएसटी 1 का टेबल नंबर 12 से आप हेल्प ले सकते हैं। तो फिर क्या आया, अगर 1.5 करोड़ नहीं क्रॉस कर रहा है तो ऑप्शनल है, अगर 1.5 करोड़ क्रॉस कर रहा है तो आपको भरना ही पड़ेगा, मगर इसका भी 2 पार्ट है। अगर 5 करोड़ से कम टर्नओवर है तो 2 डिजिट, अगर 5 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर है तो 4 डिजिट। पर्टिकुलर HSN कोड वाइज आपको डिटेल देना है और जो जो सेल्स रिटर्न हुआ है उसको माइनस करके आपको रिपोर्ट करना है। सेम चीज दोस्तों इनवर्ड सप्लाइज के लिए भी है, अगर टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम है तो ऑप्शनल है, 1.5 करोड़ से ज्यादा मगर 5 करोड़ से कम तो 2 डिजिट भरना ही पड़ेगा, 2 डिजिट। अगर 5 करोड़ से ज्यादा है तो 4 डिजिट। वही सेम चीज है HSN वाइज आपको इनवर्ड सप्लाइज डालना है। वही सेम चीज है नेट ऑफ रिटर्न, यहाँ पे क्या होगा, परचेस किए है वापस कर दिए उसको माइनस करना है। मगर जीएसटी 1 में तो हम लोग HSN कोड वाइज डिटेल्स डालते थे, मगर इनवर्ड सरप्राइज का HSN समरी तो हम लोग कभी किए ही नहीं, कभी तो जीएसटी 2 तो फाइल ही नहीं किया हम लोग ना, वो तो गवर्नमेंट स्टॉप करके रखा था। तो इसके लिए क्या हमको पूरा का पूरा जितना परचेस किया है उतना ही HSN समरी बना के देना पड़ेगा? यहाँ पे गवर्नमेंट एक क्लैरिफिकेशन दे दिया है। क्या क्लैरिफिकेशन दिया है? बोल रहा है गवर्नमेंट ध्यान दीजिए, दिस समरी डिटेल्स आर रिक्वायर्ड टू बी डिक्लेयर्ड ओनली फॉर दोज इनवर्ड सप्लाईज व्हिच इन वैल्यू independently account for more than 10% of total value of inward supplies. इसका मतलब क्या हो गया? आपने परचेस किया है, सोचिए 1 लाख का परचेस किया है, उसका 10% निकाल लीजिए 10,000। जिन जिन गुड्स इंडिविजुअली इंडिपेंडेंटली कीजिएगा, जो जो इनवर्ड सप्लाई सब किया है, जिन जिन जो जो आइटम का वैल्यू 10% से ऊपर है, मोर देन 10% ऑफ टोटल इनवर्ड सप्लाई, टोटल इनवर्ड सप्लाई ना कि टर्नओवर, जो परचेस किया है ना कि सेल के ऊपर नहीं परचेस के ऊपर, जो परचेस किया है परचेस वैल्यू का 10% पहले आपको बाहर आपको आपको निकालना है, उसके ऊपर जो जो परचेस है उसी का HSN समरी देना है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक एक्सेल शीट में बना लिया हूँ, ध्यान से देखिएगा,
आपका टोटल वैल्यू ऑफ इनवर्स सप्लाई है 15 लाख, तो 10% ऑफ टोटल परचेस कितना हो गया 1.5 लाख। अब चार आइटम आप परचेस किया है, आइटम 1, आइटम 2, आइटम 3, आइटम 4। आइटम 1 का वैल्यू है 22,500, क्या यह 1.5 लाख से ज्यादा है, मोर देन 10% है? नहीं है, तो GS 1 में नॉट एप्लीकेबल, सॉरी GS 9 में नॉट एप्लीकेबल। आइटम 2 का भी देखिए 75,000 है, जो कि 1.5 लाख से ज्यादा है, 10% से ज्यादा है? नहीं है, नॉट एप्लीकेबल। आइटम 3 और 4 को देखिए, इनका वैल्यू जो है, इनका वैल्यू 1.5 लाख से ज्यादा है, मतलब 10% से ज्यादा है, क्या ये इनका डिटेल हमको देना है GS 9 का टेबल 18 में? जी हाँ, इसको देना है, क्योंकि ये 10% से ज्यादा। ये चेकलिस्ट आप डाउनलोड कर सकते हैं नीचे दिए गए लिंक पे, ठीक है। और एक आपको लिंक मिलेगा जिसमें एक समरी में बनाया हूँ कि क्या क्या चीज ध्यान रखना पड़ेगा, क्या 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 रूल है उसका, एक जिस्ट, ताकि बार बार आपको पोर्टल खोलना ना पड़े। सॉरी दोस्तों, एक फोन आ गया था। बार बार आपको पोर्टल खोलना ना पड़े, ठीक है। वो जिस्ट को देख के समझ में आ जाएगा कि भाई मुझे क्या करना है, मेंटेन करना है कि नहीं, मुझे मेंटेन करना है कि नहीं, क्या अगर मेंटेन करना है तो किस तरह से करना है, 10% कैसे निकाले, ये चार्ट भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका परचेस के लिए, ठीक है। ये आपका देखिए जो मैं बोल रहा था कि नेट ऑफ रिटर्न, नेट ऑफ रिटर्न क्वांटिटी टू बी रिपोर्टेड नेट ऑफ रिटर्न, मतलब सोचिए आप 15 लाख का सेल किया है और उसमें 1.5 लाख आपका सेल्स रिटर्न हो गया है, तो आपको 13.5 लाख का ही डिटेल्स देना है। 10 क्वांटिटी सेल किए हैं, 2 क्वांटिटी आप सेल्स रिटर्न हो गया है, तो आपको 8 क्वांटिटी, 8 पीस या 8 केजी जो भी है उसके ऊपर ही आपको डिटेल करना है। और एक चीज जो मैं यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया हूँ, क्वांटिटी यूनिट, यूनिट जो मेजरमेंट है, पी सेल, ये सिर्फ गुड्स अगर सेल होगा तभी देना है, अगर सर्विस है तो नहीं देना, ये गवर्नमेंट बोल दिया गया है। आपको ये कहाँ से मिलेगा, मैं आपको दिखाता हूँ ये कहाँ से मिल सकता है आपको। यहाँ पे जाके अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं, HSN वाइज समरी में अगर क्लिक करते हैं, आप देखिए यहाँ पे हेल्थ सेक्शन, जैसे आप हेल्थ सेक्शन में करेंगे, देखिए यहाँ पे डिटेल आपका आ गया है, एक समरी आ गया है, इसको आप ध्यान से पढ़िएगा। सेम चीज को ही मैं समझाया हूँ, देखिए यू क्यूसी डिटेल्स टू बी फर्निश्ड ओनली फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स। जी हाँ दोस्तों, अगर सर्विस है तो कोई गुड्स सप्लाई है नहीं, तो उसका क्वांटिटी कैसे मेजर होगा। यही चीज है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। एक बार फिर से जिस्ट में बता दूं, 17 और 18 आपको खुद से भरना है, ये ऑटो पॉपुलेटेड नहीं है। अगर 1.5 करोड़ से टर्नओवर आपका कम है तो ऑप्शनल है, आप मेंटेन कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। अगर 1.5 करोड़ से ज्यादा है मगर 5 करोड़ से कम है तो आपको भरना ही पड़ेगा, मगर दो डिजिट का एचएसएन कोड भरना पड़ेगा। अगर आपका 5 करोड़ से ज्यादा है तो 4 डिजिट का भरना पड़ेगा, ठीक है। एचएसएन वाइज डिटेल दीजिएगा, एक पर्टिकुलर एचएसएन के ऊपर जो क्वांटिटी सेल है परचेस हुआ है, उसका रेट क्या है, उसका टैक्स क्या है, वगैरह वगैरह, ठीक है। नेट ऑफ रिटर्न होगा, सेल रिटर्न, परचेस रिटर्न घटा के आपको क्या आपको करना है। GS 1 से आप टेबल 12 का सहारा ले सकते हैं, आप टेबल नंबर 17 मतलब आउटवर्ड सरप्लस के लिए, इनवर्ड सरप्लस के लिए जिसका जिस गुड्स का वैल्यू टोटल इनवर्ड सप्लाइज का 10% से ज्यादा है उसी का डिटेल सबको देना है, बाकी सब ऑप्शन सेम है, ठीक है। यही है डिटेल HSN वाइज समरी इनवर्ड और आउटवर्ड सप्लाई का। बाकी अगर कोई भी आपको सवाल है प्लीज कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, उसी से हम आगे बढ़ पाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि इसके ऊपर एक और डिटेल, मुझे पता नहीं इसकी ज़्यादा आपको टाइम आपको ज़रूरत है कि नहीं, अगर ज़रूरत है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, शायद मैं एक और वीडियो बनाऊँ कि किस तरह से क्या करना है नहीं करना है। नीचे आपको समरी और एक्सेल शीट जिससे आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपका टर्नओवर से 10% किस में लागू होता है, कि कौन सा परचेस 10% से ज़्यादा है, कौन सा कम है, आप उससे आप उसको डाउनलोड करके आप उसका कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, आज इतना ही, फिर अगले वीडियो के लिए मैं प्रिपेयर होता हूँ, वो भी GS 9 के ऊपर ही होगा। थैंक यू।